Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका आज के मुख्य डिफेंस न्यूज में। और आज के पहले डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी द्वारा इंडक्ट किए गए रिसेंटली 8 अप्रैल को 6 धनुष आर्टिलरी हावेजर गन के बारे में। तो जी हां दोस्तों, ऐसी खबरें आ रही है कि धनुष आर्टिलरी गन को इसके इंडक्शन के बाद LoC पे भेजा जा रहा है, वहीं पे डिप्लॉय किया जा रहा है इसको। जैसे कि आप सबको पता ही होगा, इंडियन आर्मी तकरीबन 114 धनुष इंडक्ट करने वाली है, उसमें से 6 इसी मंथ में ही डिलीवर किए गए थे इंडियन आर्मी को गन कैरेज फैक्ट्री के द्वारा। और ऐसी उम्मीद है कि इस साल के एंड तक तकरीबन 18 धनुष जो कि एक रेजिमेंट बनाएगा उसे डिलीवर करने वाली है गन कैरेज फैक्ट्री जबलपुर। तो बेसिकली धनुष एक 155x45mm कैलिबर का आर्टिलरी गन है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट तरह के एडवांस सिस्टम दिए गए हैं, जैसे कि ऑटो लिंक फैसिलिटी, इनर्शियल नेविगेशन बेस्ड साइटिंग फैसिलिटी और इस तरह के कुछ और एडवांस फीचर्स इसमें ऐड किए गए हैं। और इस धनुष आर्टिलरी के वेट कम होने की वजह से और इसके माउंटिंग एक ऐसे सिस्टम पे हुई है जिसकी वजह से इसे आसानी से मनूवर किया जा सकता है, और जिसका परिणाम ये है कि इसे किसी भी हिली और माउंटेनियस एरिया में डिप्लॉय किया जाने में काफी हेल्प होगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी डिफेंस न्यूज की तरफ। और आज की दूसरी डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के लिए स्पाइक मिसाइल के इंडक्शन को लेकर। तो जी हां दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही होंगे, हमने कल ही अपने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कि इंडियन आर्मी इंडक्ट करने जा रही है तकरीबन 235 स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, जिसे इजरायली फर्म रफाइल बनाती है, और इसके साथ ही इंडक्ट किए जाएंगे तकरीबन 12 लॉन्चर्स। और जैसा कि आपको पता ही होगा, इसी स्पाइक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल की डील जो कि तकरीबन 8000 स्पाइक मिसाइल खरीदने की थी, उसे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने स्क्रैप किया था। और वो इसलिए किया गया था कि जब ये मिसाइल्स अपने ट्रायल फेज में थे तो इंडियन आर्मी के रिक्वायर्ड मानकों पे कई दफा फेल हुए थे, जिसकी वजह से ये 8000 इंडक्शन इन मिसाइल्स का रोक दिया गया था। लेकिन अब ये इंडियन आर्मी का सडन डिसीजन कि वो 240 ऐसे स्पाइक मिसाइल खरीदेगी, इस डिसीजन ने कहीं न कहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स की नजरों में एक क्यूरियोसिटी जगाई है। और इसी बारे में बात करते हुए इंडियन आर्मी के एक ऑफिशियल ने बताया कि इंडियन आर्मी ऐसा फील कर रही है कि उन्हें अभी अर्जेंट में ऐसी मिसाइल की जरूरत है, जिसकी वजह से उन्होंने ये इंडक्शन प्रोसीजर जल्द से जल्द शुरू किया है। आपको बता दूं, एक प्रक्रम के अंतर्गत इंडियन आर्मी के चीफ और इंडियन आर्मी के वाइस चीफ इन दोनों को तकरीबन 500 करोड़ और 100 करोड़ की फाइनेंशियल पावर दी गई है, जिसके अंतर्गत अगर ये कोई भी डील इमरजेंसी में साइन करते हैं जो कि 500 करोड़ और 100 करोड़ की लिमिट के अंदर होता है, तो उस डील को डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल तक जाने की कोई जरूरत नहीं है, वो डील डायरेक्टली सैंक्शन हो जाएगी। और यहाँ पे इसी पावर का यूज करके इंडियन आर्मी के वाइस चीफ ने ये 235 स्पाइक मिसाइल खरीदने की इच्छा जताई है, जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के अंतर्गत तय किया गया है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरे डिफेंस न्यूज की तरफ। तो आज की तीसरे डिफेंस न्यूज में बात करने वाले हैं एक स्टेटमेंट के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, ये स्टेटमेंट डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने दिया है, और इस स्टेटमेंट में उन्होंने बताया है कि हम अपने आर्म फोर्सेस को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो मेक इन इंडिया के प्रोडक्ट्स या फिर इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रोक्योर करें। ये कम्प्लीटली उनका डिसीजन है कि वो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट प्रोक्योर करते हैं या नहीं। बस हम सजेस्ट कर सकते हैं कि वो मैक्सिमम मेक इन इंडिया प्रोडक्ट और इंडिजिनस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करें। और इसी दौरान उन्होंने कुछ प्रोडक्ट को मेंशन भी किया जिसे उनका मानना है कि आर्म फोर्सेस ने दोनों हाथों से एक्सेप्ट किया है, और वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ध्रुव लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर और कुछ एवियोनिक सिस्टम्स, जिन्हें आर्म्ड फोर्सेस ने बखूबी एक्सेप्ट किया है। किसी इंडिजिनस प्रोडक्ट को प्रोक्योर करना है या नहीं करना है वो कम्प्लीटली फोर्सेस का डिसीजन होता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट किन किन पैमानों पे आर्मी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहा है। अगर पूरा कर रहा होता है तो वो इंडिजिनस प्रोडक्ट आर्मी एक्सेप्ट करती है, इसमें हमारा किसी तरह का कोई रोल नहीं होता है और ना ही हम उन्हें कंपेल कर सकते हैं कि इंडिजिनस प्रोडक्ट ही लिया जाए। तो इस स्टेटमेंट को बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स और अपोजिशन पार्टी के लीडर्स इलेक्शन का माहौल देखते हुए मेक इन इंडिया के फेलियर के रूप में प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बहुतों का मानना यह है कि ये स्टेटमेंट इंडियन आर्मी और इंडिया के डिफेंस के लिहाज से सही है। तो इस बारे में आप लोगों के क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। वीडियो अच्छी लगी गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब। जय हिंद।